वेलकम टू एस टेक एंड ट्रेडर्स थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेरॉक्स 5875 और ज़ेरॉक्स 5855 की आप अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने शॉप पे आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सर्विस कैसे कर सकते हैं। अक्सर मशीन्स में ऐसे होता है कि टोनर नीचे गिरता है, डेवलपर नीचे गिरता है, डस्ट होती है, मिट्टी होती है और आप उसको ईजिली से खुद यूनिट्स बाहर निकाल कर सर्विस कर सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक यूनिट आपको बाहर निकाल कर और कंप्लीट सर्विस करनी इसकी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका ड्रम यूनिट और हीटर यूनिट आराम से लॉक ऊपर कर निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर से मशीन हमारी बहुत डस्टी है, गंदी है, टोनर है, डस्ट है। इन सब यूनिट्स को बारी बारी बाहर निकाल कर इसके बाद हम इसको सर्विस करेंगे। R2 और R3 यूनिट दो लॉक पर बैठे होते हैं। इन लॉक्स को आप लूज़ करके इन दोनों यूनिट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा डेवलपर टैंक है, चार्जर है, ये ब्लू कलर का ड्रम के नीचे होता है। इसको आप ऐसे ही प्रेस करके आगे की तरफ ऊपर उठाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद टोनर बॉटल का लॉक ओपन करके आप बॉटल को बाहर निकाल सकते हैं। और डेवलपर टैंक के दो स्क्रूज डेवलपर टैंक के नीचे लगे होते हैं यहाँ पर, और इन दोनों को आप ओपन करके डेवलपर टैंक को बाहर निकाल सकते हैं। डेवलपर टैंक को जब आप बाहर निकालें उसके जैक अच्छी तरह से उतार कर उनको साइड पे कर लें ताकि आपकी वायरिंग डैमेज ना हो। और डेवलपर टैंक को एक प्लेन टेबल पर रखें ताकि आपका डेवलपर लेफ्ट साइड या राइट साइड पर ना इकट्ठा हो। अगर आप इसको टेढ़ा रखेंगे या लटकाएंगे कहीं पे या इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो डेवलपर एक साइड पर चल जाता है। इसको सीधे टेबल पर रखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा टोनर गिरा हुआ है, और मशीन को आप जब भी लोकल टोनर यूज़ करेंगे, किसी कंपनी का यूज़ नहीं करेंगे, तो टोनर ऐसे ही नीचे गिरता है। तो सबसे पहले हम इसका डुप्लेक्स ओपन कर लेंगे। डुप्लेक्स का एक पेज होता है लेफ्ट साइड पे, उसको ओपन करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे तो डुप्लेक्स बाहर निकल आएगा। डुप्लेक्स के लेफ्ट साइड पे दो जैक होते हैं, उन ग्रिप्स को आप उतार के पूरा इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ज़ेरॉक्स के लिए बेस्ट टोनर जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मशीन्स में वो इकोटोन का है, और इकोटोन का टोनर ख़रीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मशीन बहुत ही अंदर से डस्टी हुई है, इसको साफ़ करने के लिए हम ब्लोअर का यूज़ करेंगे। लेकिन ब्लोअर लगाने से पहले हमें इसके साइड कवर्स और बैक कवर्स सारे ओपन करने पड़ेंगे। लेफ़्ट साइड डोर के ऊपर ये छोटा कवर लगा होता है, इसके चार स्क्रूज़ आप ओपन करके ये कवर उतार सकते हैं। और ये कवर उतारने के बाद आपको डेवलपर टैंक के जैक भी क्लियर नज़र आएंगे, अगर आप पहले ये कवर खोलकर डेवलपर टैंक को निकालना चाहते हैं। बैक साइड पे ये वेस्टेज का कवर है, इसको ओपन करके आप वेस्ट बॉक्स को बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप बैक कवर पर आ जाएंगे। बैक कवर पर दो स्क्रूज़ ऊपर लगे हैं जिनको ओपन करके आप बैक कवर को खोल सकते हैं। बैक साइड की कंडीशन भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही डस्ट जमी हुई है, फैंस में भी और सप्लाई पे भी। अब राइट साइड पे जो कवर है जो कि एग्जिट यूनिट के आगे लगा होता है जहां से पेपर हमारा बाहर निकलता है, इस पे भी दो स्क्रूज आप ओपन करके इस कवर को उतार सकते हैं। और एग्ज़िट का कवर उतारने के बाद आप एग्ज़िट यूनिट को इजीली ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट लॉक जो एग्ज़िट यूनिट का होता है इसको ओपन करेंगे, और उसके बाद इसके दो स्क्रूज़ फ्रंट पर लगे हैं और दो स्क्रूज़ बैक पर लगे हैं, जो सामने ये फ्रेम है ये उतर जाएगा।
ये प्लेट उतारने के बाद यहाँ पर अंदर एक स्क्रू लगा होता है एक छोटी सी प्लेट के साथ, जिसने पूरे यूनिट को होल्ड किया होता है। तो ये छोटा सा स्क्रू आप खोलेंगे और छोटा सा ये प्लेट इसके साथ ही उतर आएगी, और इसके बाद आप एग्जिट यूनिट के जैक उतार के इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप चार्जर बेस को इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके नीचे दो स्क्रूज़ लगे हैं, एक अर्थ की केबल के साथ और एक सिंपल। जब ये आपने दोबारा इसको टाइट करना है तो अर्थ की केबल को अपनी जगह एडजस्ट करके फिर इन स्क्रू को टाइट करना है। और हम इस बेस को पूरा बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी वायरिंग पीछे पावर पैक में जा रही है, जो कि सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है। वो सारा खोलने के लिए हमें पूरा इसकी सप्लाई की बेस को उतारना पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इस मशीन को आगे से फ्रंट से सर्विस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लच यूनिट। इसके फ्रंट पर एक पेच लगा है जिसको आप ओपन करेंगे, और साथ ग्राउंड का पेच है। इसके ऊपर एक अर्थ की तार है और नीचे एक जैक है। इन तीनों चीज़ों को उतार कर आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेंगे और राइट साइड पर स्लाइड करके बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट ट्रे और सेकंड ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। अक्सर लोगों को ये ट्रे बाहर निकालने में और लगाने में मुश्किल होती है। ये राइट साइड से पहले बिठाएं और फिर लेफ़्ट साइड से अंदर प्रेस करके बिठाएं तो ये इजीली अंदर चली जाती है। हम यहाँ पर अपने 3 और 4 ट्रे यानी के बैंक्स को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम अभी सिर्फ इंजन को और यूनिट्स को साफ़ करना इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर प्रेशर ब्लोअर की सफाई के बाद हमारी मशीन कैसी हो गई। आप देख रहे हैं अंदर से हमने बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया है। सिर्फ अभी ब्लोअर ही इसको हमने लगाया है, जो कि एयर ब्लोअर होता है। वो लगाने के बाद इसकी कंडीशन अभी ये है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिटिंग रबर्स पर डस्ट जमी हुई है, पेपर डस्ट जमी हुई है, इसको हम गीले कपड़े से साफ कर लेंगे। इसके बाद हम साइड डोर की तरफ आ जाते हैं, जिसे बाईपास भी कहते हैं। ये थोड़ा सा नाजुक होता है, इसलिए इसको ज़रा आराम से आपने साफ़ करना है। इसको थोड़ा सा भी ज़ोर लगाएंगे बैक साइड पे या नीचे वाली साइड पे तो ये डैमेज हो जाता है। यहाँ से हमारा पेपर ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। ये दो रूलर्स हैं, ट्रे 1 और ट्रे 2 के, जो कि पेपर को ट्रे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो इनको आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। और हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी का तेल और पानी, सरफला, दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मशीन को साफ़ करने के लिए।
जहाँ पर बहुत ज़्यादा टोनर जमा हुआ है, हार्ड हुआ है, वहाँ पर आप मिट्टी के तेल से उसको साफ़ कर सकते हैं। और जहाँ पर नॉर्मल डस्ट है, वहाँ पर आप सर्फ़ वाला पानी या सिर्फ पानी यूज़ करके उसको साफ़ कर सकते हैं। और ये बाईपास का रबड़ होता है बड़ा, जो हमारे ये बाईपास से पेपर को खींचता है। इसको आप यहाँ से भी साफ़ कर सकते हैं रोल करके, लेकिन इसका इजी वे यही है कि आप इसका ऊपर वाला कवर ओपन करें और इस रोलर को इजीली सर्फ वाले पानी से या मिट्टी के तेल से आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा आ जाता है वेस्ट बॉक्स का जो कवर है, इसको हम ओपन करके साफ़ कर लेते हैं। और वेस्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी इंक है उसको आप खाली करके वेस्ट बॉक्स को बिल्कुल क्लीन करके वापस लगा दीजिएगा। और उसके साथ ही बैक साइड पर हमारी आ जाती है पावर सप्लाई, इसके फैंस, बैक इंजन और वायरिंग। इसको हमने ब्लोअर लगाकर बहुत ज़्यादा साफ़ किया है, लेकिन जो डस्ट जमी हुई है उसको आप कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। और सारे यूनिट्स को साफ़ करने के बाद बिल्कुल क्लीन करके मशीन में वापस कैसे लगाने हैं इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन उन यूनिट्स को साफ़ कैसे करना है सेपरेटली और नेक्स्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। और क्लच यूनिट को वापस बिठाते हुए इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखें कि क्लच यूनिट को बिठाने के बाद आपका साइड डोर इजीली बंद हो रहा है या नहीं। अगर साइड डोर बंद नहीं हो रहा तो आपका क्लच यूनिट अपने लॉक्स में नहीं बैठा।
तो ये हो गई हमारी मशीन कंप्लीट बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।